हाय गाइस, आई एम आशना एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे चैनल पर करने वाले रिकॉर्ड। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी जूडियो प्लस मिसबू हॉल। जिसे नहीं पता, जूडियो इज अ ब्रांड ऑफ टाटा एंड मिसबू इज ऑल्सो अ ब्रांड फ्रॉम टाटा इटसेल्फ। तो आई थॉट कि सिंस दोनों की पैरेंट कंपनी एक ही है, तो दोनों को कंबाइंड करके इस वीडियो में दिखा देती हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैच दिखाने वाली हूँ, दे आर रिलेटेड टू स्किन केयर, बॉडी केयर एंड lot of makeup। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं आज ट्राई टेस्ट करने वाली हूँ और एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं जब स्टोर पर गई थी तो मैंने वहां पर भी रिकॉर्ड किया था, सो वॉच दोस क्लिप्स नाउ। बहुत ज्यादा मेकअप के ऑप्शंस है, नहीं तो देखते हैं क्या। यहाँ पे वाइप्स है, कुकुम्बर, लेमन, वाटरमेलन, कौन सा ले तीनों में से? देख 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 ले रहे हो ना? और यहाँ पे थोड़े मास्क भी हैं, शीट मास्क, बहुत सारे ऑप्शन है। कॉफी इसके अंदर पीने वाली, इसको बोल के पीना है फिर। तो यहाँ पे फ्रेग्रेंस भी है 99 और 299 के, जो जिनका हमें काम नहीं है। तो फ्रेग्रेंस है, हम ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही लेना है, तो ब्यूटी के 99 का ही है। तो क्या लगता है, इनके शावर जेल को भरोसा करना चाहिए? तो इस पर स्पार्कल लिखा है इसलिए, और ये पिंक है इसलिए मैं ले रही हूँ। लिप बाम, बहुत सारे ऑप्शन है लिप बाम के यहाँ पे, कौन सा ले? और यहाँ पे क्रैनबेरी है, हनी है, बबल गम है फिर से। आई थिंक बबल गम सबसे क्यूट है, तो बबल गम ले लूँगी मैं चुपचाप। 199 की चार नेल पॉलिश, मतलब जो कम कम लगाता है उसके लिए तो बहुत सही है। और अलग अलग कलर है चारों पेस्टल्स। 299, नॉट बैड। मेकअप पाउडर, मेकअप या स्किन केयर कुछ भी रख सकते हो। ये नहीं ले रही मैं, बट दिखाना चाह रही थी। 99 के लिपस्टिक है, तो मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बट घर जाके पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके गाइस, शॉपिंग इज ऑल डन। कैसी लग रही हमारी महंगी प्रोडक्ट्स? सारे सारे प्रोडक्ट्स जो है उनको ट्राई करेंगे घर जाके। सो आई विल सी यू गाइस एट होम। ओके, नाउ दैट यू हैव सीन दोस क्लिप्स, वी कैन स्टार्ट विद आवर मेकअप। मेकअप से पहले मैं बॉडी केयर और स्किन केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स लिए थे, मैं वो पहले दिखा देती हूँ। फर्स्ट फ्रॉम जूडियो आई गॉट अ शीट मास्क, सो दिस मास्क रिटेल्स फॉर 49 रुपीज। देन आई गॉट फ्यू मोर शीट मास्क एंड दिस टाइम दे आर फ्रॉम मिसबू। एक मास्क आपको स्टोर पर मिलता है 99 रुपीज का, बट वहां पर कुछ ऑफर चल रहा था एंड इफ यू गेट 4 मास्क देन यू कैन बाय देम फॉर 149 रुपीज। तो मैंने 4 ले लिए। और बॉडी केयर, मैंने जूटियो पर ये शावर जेल देखा था, उसका कलर अच्छा लगा था, तो इट वॉज द ओनली रीजन आई गॉट इट। मैंने स्मेल भी नहीं करा था, कोई एक्सट्रीमली अच्छी फ्रेग्रेंस भी नहीं है, बहुत माइल्ड है। सिल्वर वाले बर्तन को एकदम चमकाने के लिए एक लिक्विड सा आता है ना, क्लियर कलर का, इट स्मेल्स लाइक दैट। आई ऑल्सो गॉट 1 more शावर जेल एंड अ बॉडी लोशन बाय मिसबू। सो आई यूज इट दिस मॉर्निंग एज यू कैन सी, एंड आई लव द फ्रेग्रेंस। आई विश के आप कैमरा से स्मेल कर पाते, स्मेल सो गुड। ये जाओ तो जरूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगती है आपके फ्रेग्रेंस। तो जूडियो पर ही और भी स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, लाइक फेस वॉश, वो सब मैंने ट्राई नहीं करा, बट वीडियो में मैंने दिखा दिया है कि क्या क्या ऑप्शन वहां पर अवेलेबल थे। एंड मिसबू के स्टोर पर होम रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक वहां पर वेस देखा मैंने, वो फेक फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो होते हैं वो देखे थे मैंने। एंड वहां पर काफी अच्छे सेंटेड कैंडल्स भी थे। मेरे पास बहुत कैंडल्स है इसलिए मैंने नहीं लिए, अदरवाइज मैं कैंडल उठा के जरूर ले आती। सो फॉर मेकअप वी हैव
have quite a few of category and a lot of products. So the first category is face. Then we have eyes. Uske baad we have lips and lastly makeup removing products. So first thing we have is a beauty blender. So this beauty blender I got for 79 rupees. Not extremely soft, but ठीक है ये काम चल जाएगा. तो इन दोनों stores में एक price का pattern जो मैंने देखा है, जो notice किया है, that is they have majority of products, specially skincare और makeup में, either for 99 rupees, 149 rupees or 199 rupees. So let's start with glow moisturizer. So this is a tinted moisturizer. और एक चीज जो मुझे वहाँ पर इशू लगा ऑब्वियसली दैट दिस मॉइस्चराइजर ओनली कम्स इन वन शेड. दैट इज समथिंग आई एम स्केप्टिकल अबाउट कि ये सब पर कैसे जा सकता है सारी स्किन टोन्स पर. So this is what the shade looks like. I'm pretty sure the shade is a bit dark for me, but let's try it now. So I am not sure about in camera, but सामने से it is a bit dark for me. मतलब एक दो शेड मेरी स्किन टोन से मुझे डार्क कर दिया इसने. Okay, moisturizer is all done. Now let's try the primer next. I don't have बहुत ज़्यादा open pores, तो I think I am not the right person to judge a primer. थोड़ा blur out कर दिया है इसने जहाँ पर भी मैंने apply करा है वो area. So I think it's a good primer. नेक्स्ट वी हैव इज अ स्किन टेंट. मिसबू में इन पर काफी सारे शेड्स अवेलेबल थे स्किन टेंट में. सो आई ट्राइड द शेड एंड आई बॉट माई शेड. सो दिस शेड इज कॉल्ड लाटे. आई डोंट नो इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइमर और द टेंट इटसेल्फ, बट काफी मैटिफाइंग सी फीलिंग आ रही है. ओके, जब मैंने एकदम अप्लाई किया था तो थोड़ा शेड ऊपर नीचे लग रहा था, बट थोड़ी देर बाद ही एकदम गायब हो गया और एकदम स्किन लाइक फिनिशिंग है. ऑनेस्टली मुझे मॉइस्चराइजर नहीं पसंद आया, बट आई एम रियली लाइकिंग दिस टेंट. इसको तो मैं एवरी डे भी यूज करूंगी. आई रियली लाइक इट. इट डजंट क्लेम टू बी अ मैट फिनिशिंग, बट थोड़ी सी मैट फिनिशिंग फील हो रही है फेस पर, बट इट ऑल्सो हैज अ क्वाइट अ बिट ऑफ शीन. कुछ बहुत ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं इस ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में. बहुत एवरेज जो एवरीडे आप यूज़ करते हो ब्यूटी ब्लेंडर वैसा ही है. यू कैन गिव इट अ ट्राई, इट्स अ गुड ब्लेंडर. इट्स बिन फ्यू मिनट्स और मैं क्लोज अप से देख रही हूँ ना, सो अभी भी कोई क्रैक, केकीनेस, पैचीनेस ऐसा कुछ भी नहीं है. सो या इट्स अ गुड टेंट. Okay, now let's move on to the next product. So next we have is this cheeky blush. इसमें भी उनके पास कोई और shade available नहीं था, only one shade was available. Okay, color is pretty. Color payoff is good. Directly apply मत करना, या तो brush से या तो finger से apply करना, then you will get a good color. And I think ये shade काफी हद तक बहुत सारे Indian skin tones पर जाने वाला है. Let's move on to the next product. So next we have is a cheek shine in shade rose gold. इसमें भी काफी सारे shades available थे. Cute. तो दोनों मिसबू और Zudio पर मुझे कोई भी setting powder नहीं मिला, so I will use my own setting powder. This time let's try to apply it with finger. Okay, yeah, set करने के बाद it worked better. Okay, now let's move on to the next category, which is eyes. We have four products. One is eyeshadow palette, one is mascara, one is kajal and a eyeliner. The eyeshadow palette by Miss Boo. This eyeshadow is the most expensive thing in this entire haul. और ये palette मैंने This is not an eyeshadow palette, guys. This is a face palette. Stupid. So, इसमें है blush, highlighter and bronzer. We can use bronzer as eyeshadow, no issue. That is what I do every day anyways, तो. Honestly, when it comes to beauty, इन दोनों ब्रांड से मैं कुछ भी expect नहीं कर रही थी. Pigmentation थोड़ी सी जैसा color दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा, थोड़ा light ही आ रहा है, but I don't mind it personally. इसके अलावा it blends flawlessly और it gives me the finishing I want. Okay, let's also try the blush and highlighter. Okay, it's a good blush, but मैंने already cream stick वाला blush भी लगाया था, तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, but ठीक है, it's a good blush. कुछ ऐसे extreme नहीं है. Let's also try the highlighter. Okay, it's a bit pinkish shade. I think if you wear a lot of blush na, to ye color kyunki thoda pink hai, to bahut zyada compliment karega aapke face par.
लेट्स ऑल्सो टेस्ट द ब्रॉन्जर. ब्रॉन्जर इज गुड गाइस. ऑल्दो यहाँ पर ब्रॉन्जर जो है ब्राउन दिख रहा है, बट ये ब्रॉन्जर को ब्लेंड करने के बाद अंडरटोन इज वेरी पिंक. मैं अब आईज में भी नोटिस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखा मुझे तो. आई थिंक वी हैव मच 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 बेटर पैलेट्स आउट देयर इन द मार्केट. लेट्स क्विकली ट्राई एंड टेस्ट ऑल ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स. द एप्लीकेटर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली. ओके सो एज द नेम सजेस्ट वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा. मुझे तो कुछ ऐसा एक्सट्रीम इफेक्ट नहीं दिखा है कि मैं इसकी तारीफ करूँ तो. इट्स लाइक अ ओके प्रोडक्ट, बहुत डिसेंट प्रोडक्ट है. नाउ लेट्स टेस्ट द काजल. ओके द कलर इज जेट ब्लैक एकदम और वेरी क्रीमी टू अप्लाई. ओ इट्स ब्लैक. ओ गुड काजल, नॉट बैड. लेट्स ट्राई देयर आई लाइनर. लाइनर मैंने लगाना बंद कर दिया है सो इसको मैं हटाऊंगी. इट इज नाउ ड्राई और काफी जल्दी सूख गया था. मैंने हाथ पर भी अप्लाई करा एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. आई थिंक इट्स अ गुड आई लाइनर, नथिंग टू कंप्लेन ऑनेस्टली. सो टू क्लीन दिस अप मैं एक और प्रोडक्ट ट्राई करने वाली हूँ. सो दिस इज देयर माइसिलर मेकअप रिमूवर वाइप्स. लेट्स सी इफ इट क्लीन्स इट इन वन स्वाइप. Oh, it did. One thing I really like is कि बट तो छोटू सा एकदम कॉम्पैक्ट सा है तो ट्रैवल के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. ओके मूविंग ऑन, सारे आईज वाले प्रोडक्ट्स हमें ट्राई कर लिए हैं. लेट्स मूव ऑन टू माई फेवरेट कैटेगरी लिप्स. फर्स्ट लेट्स ट्राई दिस बबल गम लिप बाम बाय जूडियो. जितना पिंक है यहाँ दिख रहा है उसका 1% भी लग जाता तो क्या ही बात होती है. ठीक है, हाइड्रेटिंग सा लग रहा है, कोई कलर तो नहीं है इसमें. ओके लेट्स ट्राई अनदर प्रोडक्ट. सो वी हैव टू लिप ग्लॉसेस हियर. वन इज नॉर्मल शाइन लिप ग्लॉस एंड वन इज प्लम्पिंग वन. लेट्स ट्राई द प्लम्पिंग वन फर्स्ट. लुक एट द कलर डिफरेंस. तो अभी ये लिप ग्लॉस लगाकर ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं. बहुत 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 लाइट टिंगलिंग बर्निंग सी सेंसेशन हो रही है बट प्लम्पिंग जैसा कोई भी इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है. सो पर्सनली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ मॉव वाले शेड्स बट इफ यू आर इनटू इट देन आई थिंक इट्स कलर वाइज इट्स अ गुड लिप ग्लॉस. बहुत चिप चिप टाइप भी नहीं है सो इट्स अ गुड लिप ग्लॉस. दिस नेक्स्ट लिप ग्लॉस इज इन शेड कैरमल 08. कलर में से डार्क शेड्स ही लगाती है. प्रेफर लाइट एंड पीचिश पिंकिश काइंड ऑफ शेड्स. दे आर पीपल जिनको ब्राउन कलर का शेड पसंद होता है सो आई थिंक उनके लिए इट्स अ गुड लिप ग्लॉस. इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज लिप ग्लॉस ना तो दोनों की कंसिस्टेंसी बहुत डिफरेंट है. इट इज वेरी लाइट वेट. दिस वन फील्स हैवी ऑन लिप्स और थोड़ा सा चिपचिप है. ओके बिफोर लिपस्टिक वी ऑल्सो हैव वन लिप लाइनर. मैंने बहुत सारे लिप लाइनर नहीं लिए, बस एक ही लिया टू चेक द कंसिस्टेंसी वगैरह. बहुत स्मूथली ग्लाइड हो रहा है लिप्स पे. वी हैव 5 lipsticks लेफ्ट. आई थिंक दिस इज अ मैट लिपस्टिक इन शेड मेपल किस. ये है लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड गोज परफेक्टली विद द लिप लाइनर शेड. आई थिंक फॉर 149 rupees गुड लिपस्टिक. सी लिप बाम एंड दिस वन रिटेल्स फॉर 149 rupees एंड द शेड इज वाटरमेलन शुगर. आई रियली लाइक द एप्लीकेटर. गाइस प्लीज आंसर मी ऑनेस्टली, डज इट लुक लाइक एनी वे नियर टू जो कलर ये बॉटल में दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो. ग्लॉस भी है, बहुत लाइट कलर है. जैसा दिख रहा है बॉटल में वैसा कलर तो नहीं आया. माई लिप्स आर नॉट वेरी पिंक पिंक. माई लिप्स आर वेरी न्यूट्रल एंड ब्राउनिश. बट किसी के भी अगर पिंक लिप्स होंगे तो उस पर बहुत अच्छा लगेगा. अगेन प्लम जैसा कुछ भी नहीं है इसमें. That is a pure scam. So this one is for 99 rupees and the shade is tickled pink. Ooh, it's a pink pink shade. Ooh, good coverage. See, एक ही swipe में कितना अच्छा pigmentation आ गया. I think मुझे कोई और color लेना चाहिए था because this is not the color I would ever 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 pick. If you are into pink shades like this, तो I think it's a good color. Besides that, इसमें लिखा है matte, creamy and light on lips, but matte जैसा कुछ भी नहीं है. See. Not matte at all. I am either very glossy glossy lip gloss girl या फिर lipstick तो मुझे matte ही चाहिए होती है तो I am not a huge fan. But अगर आपको glossy lipstick पसंद है then it's a good lipstick still. Okay so this one is in shade mocha and it retails for 149 rupees. Feels very hydrating and creamy. Okay again not matte but I think it's a good lipstick. I like it. Now we have one last lipstick left.
सो ये लास्ट लिपस्टिक जो है इट इज बाय मिस बू. ओह आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस एप्लीकेटर. आई थिंक इट प्रीटी मच लुक्स लाइक व्हाट इट लुक्स लाइक इन द बॉटल. नाउ इट्स ड्राई एंड आई लव द शेड ऑन मी. ऐसे ही शेड मुझे बहुत पसंद है अपने पर. लेट्स टेस्ट द मैटनेस. दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ सो गुड लिपस्टिक. तो हमने ऑलरेडी मेकअप रिमूविंग वाइप टेस्ट कर लिया है. वी ऑल्सो हैव वेट वाइप्स. वेट वाइप्स का भी वही सिमिलर काम होता है, फेस से कुछ भी डर्ट वगैरह को क्लीन कर देना. सो आई हैव फ्यू स्वॉचेस, तो इनको क्लीन करने का ट्राई करते हैं वाइप से. मेकअप में थोड़ा दिक्कत कर रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट मेंट टू रिमूव मेकअप. आई थिंक ऐसे हैंड वैंड फेस क्लीन करने के लिए ट्रैवल फ्रेंडली, वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. तो हमारे पास एक और मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट है, उसके लिए लेट्स अप्लाई दिस लिक्विड मैट लिपस्टिक जो मैंने लिप्स पर अभी अप्लाई किया हुआ है. दिस इज अ माइसलर वाटर बाय जोडियो. लेट्स टेस्ट दिस आउट. इतना बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया यार इसने तो. इट इज मच बेटर देन वाइप्स. मैं तो वाइप से इतनी इम्प्रेस थी. गुड माइसलर वाटर एंड इट इज ओनली फॉर 99 रुपीज. तो मिसू में होम डेकोर और थोड़े से बैग्स एक्सेसरीज का भी सेक्शन था. तो मेरे पास एक टोट बैग है, तो इट इज वेरी सिंपल, पर मैं उसके लिए ना एक बैग चार्म ढूंढ रही थी. तो आई फाउंड दिस. सो दिस इज अ बो, वेरी कोकेट. देन आई गॉट अ पीस ऑफ ज्वेलरी. द बीडेड सा नेकलेस है. आई गॉट दिस फॉर 299 रुपीज. सी नॉट बैड. Cute, very pretty. I like it. Okay guys, so that is it. This was my haul and review from Zudio and Miss Boo. So I really hope you guys enjoyed watching this video. And if you did, then please do like this video. Comment below if you want to see haul or review for any other brand. Agar Zudio ka hi, if you want to see clothing haul, then let me know. Also, please do subscribe to my channel. Follow me on Instagram. And I will see you guys in my next video. Bye!